वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। सबसे पहले बहुत बहुत माफी चाहूँगा, आज हमने पूरी प्लानिंग की थी कि हैंडल बार का वीडियो शूट होगा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ अनफोर्सीन रीजंस की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया वो भी आपको आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन एक क्वेरी जिसके लिए हर बंदा मुझे कॉल कर रहा था, पता कर रहा है, वो है ये हेडलाइट। इस हेडलाइट ने सारा बवाल मचाया हुआ है आजकल, तो आज इस हेडलाइट के बारे में कुछ और क्लैरिटी दे देता हूँ, जिससे कि आपको ये हेडलाइट अपनी गाड़ी में लगाने में आसानी होगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि ये जो हेडलाइट हमें लेनी है ये सुपर मीटियोर की लेनी है या फिर मीटियोर 350 ऑरोरा वेरिएंट की लेनी है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि चाहे आप ये सुपर मीटियोर की हेडलाइट लीजिए या फिर ऑरोरा वेरिएंट की लीजिए, दोनों हेडलाइट सेम है। फ़र्क पता है क्या है? फ़र्क इसके अंदर बंद है और ये फ़र्क है इसकी रिंग। ये जो रिंग देख रहे हैं ना आप, ये रिंग, ये पार्ट नंबर यहाँ पे आप, मैं जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टॉप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये वो पार्ट नंबर है जो आपको अब रिंग जो है ना ये वाली लगानी है, ये वाली नहीं। अगर आप सुपर मीटियोर का पार्ट भी ऑर्डर करते हैं तो भी आपको रिंग जो है वो ये वाली ही लगानी है। तो आइए सबसे पहले आपको खोल करके रिंग दिखा देता हूँ। इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर क्या करना है। पार्ट नंबर आपको दिखा दिया है मैंने, यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक बार फिर देख लीजिए चाहिए तो, ये देखिए यहाँ पे पॉज करके देख लीजिएगा। तो ये रिंग जो है, ये जो इसके अंदर है, मीटियोर में रिंग ये लगेगी, और हेडलाइट आप चाहे सुपर मीटियोर की मंगा लो चाहे आप मंगा लो ऑरोरा वेरिएंट मीटियोर की, दोनों सेम है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये देखिए यहाँ पीछे हेडलाइट में कई सारी क्लिप्स दी हुई हैं, ये देखिए एक क्लिप, दो क्लिप, तीन क्लिप, चार क्लिप, चार क्लिप्स हैं और एक ये देखिए यहाँ पे ये बोल्ट है। तो फटाफट इसको खोलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि यही सेम हेडलाइट, ये देखिए सुपर मीटियोर 650 की है, अभी ये देखिए मीटियोर की ही रिंग में, ऑरोरा वेरिएंट की रिंग मैंने मंगाई थी, आ गई है फाइनली, और मैं अभी इसको आपको फिट करके दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले इसमें से ये दो पेंच खोल लीजिए, यहाँ पे दो पेंच लगे होते हैं, बहुत आसान है, और इसके अंदर भी प्रोविज़न दिया हुआ है इन दोनों पेंचों को लगाने का। तो अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हमें इसमें से ये दोनों पेंच खोलने हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें से ये दोनों पेंच खोल जाएंगे, और उसके बाद ये देखिए ये एक क्लिप इसमें से बाहर आ जाएगी जो यहाँ पे लग जाएगी। ये देखिए यहाँ पे वो क्लिप, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगी। तो गाइस पेंच ये देखो दोनों बाहर आ गए। अब यहाँ पे ये चार क्लिप्स हैं, इनको निकालने के लिए आपको करना ये होता है कि पहले तो ये गलत स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर इसमें आपको दूसरा चाहिए जो कि चाहिए आपको ये फ्लैट हेड वाला, क्योंकि इसे दबा कर ही आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये लगा होता है, इसको आप दबाइए। और गाइस थोड़ा सा अपनी आँखों को बचा के रखिए क्योंकि क्लिप बहुत तेज़ उछलती है, तो बाय द वे अगर कहीं आपकी आँख में लग गई तो आपको चोट दे सकती है। तो ये देखिए, ये देखिए ये पहली क्लिप बाहर आ गई। अब सिमिलरली इसी तरीके से अब मैं दूसरी क्लिप निकाल लेता हूँ। तो बस इस क्लिप को निकालते टाइम बहुत संभाल के निकालती हैं कि अगर गलती हुई तो बॉस आँख में लगेगी लगेगी। ये देखिए ये तीन और ये चौथी वाली तो ऐसे ही निकल आएगी। तो ये देखिए ये निकल आई और ये देखिए ये हेडलाइट इसके अंदर से निकल आई। अब आप बेसिक समझिए, ये हेडलाइट जो है
चाहे ओरोरा वेरिएंट की ले लो चाहे सुपर मिट्योर की ले लो, सेम मिलेगी। फ़र्क इस रिंग का है। अब रिंग का भी फ़र्क कैसे है ये देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये रिंग जो है ना सुपर मिट्योर की थोड़ी सी छोटी है और ओरोरा वेरिएंट की थोड़ी सी बड़ी है। तो चलो इसको यहाँ साइड में रख देते हैं। और अगर कोई क्लासिक और हंटर में लगाना चाहता है तो ये बॉस डोम डायरेक्टली फिट हो सकता है। ये भी करके दिखाएंगे, जल्दी लाएंगे इसका वीडियो। तो ये देखो, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कट बना हुआ है कि ये यहाँ पे ये पेंच रहेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे रहने के बाद ये देखिए हेडलाइट देखो बिल्कुल सीधी आ गई। ये हेडलाइट ऐसे करके कसेगी, और मतलब इसमें सेटिंग इतनी बढ़िया कर रखी है ना रॉयल इनफील्ड ने कि आपको कहीं पे भी परेशान नहीं होना पड़ेगा कि बॉस ये कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी। नहीं बॉस, एक ही जगह पे लगेगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप बड़े प्यार से ये पहले तो पेंचों को कस लीजिए, क्योंकि ये जो है ना ये आपको सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि ये आपकी हेडलाइट लगनी कहाँ है। तो ये देखो पहले तो सबसे पहले ये पेंच कस लेता हूँ। ये पेंच कसने से ना हेडलाइट एक जगह पे सेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी। एज इन कि इसका मतलब ये नहीं है कि हेडलाइट टाइट हो जाएगी, नहीं हेडलाइट टाइट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे ये कहाँ लगनी है वो फाइनलाइज हो जाएगा। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये देखो इसके अंदर जाके ये हेडलाइट बैठ जाएगी। तो अब सबसे पहले तो इसको कस देते हैं। अब इसको कसने से बेनिफिट ये हुआ, अभी मैंने इसको टाइट नहीं करा है, बस खाली इसको टाइट कर दिया है इतना कि ये देखिए ये हेडलाइट इससे निकल भी आएगी बाहर, ये देखो। लेकिन ये लगा रहेगा तो इसका मतलब है कि लो अच्छा कर रहे हैं तो फिर सारा काम सारा ही एक साथ करते चलते हैं। तो ये देखो बहुत ही तेज़ी के साथ कुछ नहीं, ये लो जी हेडलाइट के स्क्रूज टाइट हो गए। अब इसके अंदर वापस ये लगा लेता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये खांचा बना हुआ है, यहाँ पे ये खांचा बना हुआ है ये देखो, और इसके अंदर ये डायरेक्ट इसको ऐसे करके डाल देंगे। ये देखो एज इट इज़ चला गया, कोई पंगे नहीं कोई भसड़ नहीं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठ गया। देखिए अब एक चीज़ और समझ लो, ये जो चार क्लिप्स लगी हैं ना ये कहीं भी नहीं लगाई जाती, इसके लिए भी ये देखो हेडलाइट के अंदर फिक्स पैटर्न दिया हुआ है। ये देखो एक कट यहाँ पे दिया है, एक कट यहाँ पे दिया है, एक कट यहाँ पे दिया है और एक कट यहाँ पे दिया है। तो ये क्लिप्स भी बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे लगेंगी, मतलब आप अगर एक कॉमन मैन हो तो भी, कोई आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं भी जानते हो ना तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हेडलाइट वहीं लगेगी जहाँ लगनी चाहिए। आप सोचो कि कहीं गलत लग जाएगी तो बिल्कुल नहीं लगेगी। तो इसमें भी इसको भी लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, पहले एक साइड से डाल दीजिए क्लिप को अंदर और देन दूसरी साइड से, पहली क्लिप जो होगी आपकी वो ऑटोमेटिकली अपने आप लग जाएगी, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी यहाँ पे ढीला होता है, ये जो हेडलाइट है ना अभी चारों तरफ से टाइट नहीं की गई है, तो पहली क्लिप तो अपने आप लग जाएगी। ये देखो तो आप जैसे ही लगाओगे ना पहली क्लिप ऐसी डायरेक्ट फिट हो जाएगी, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी में थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी और ये भी लग जाएंगी। तो चलो इनको लगा देता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। तो भाइयों ये देखिए चारों क्लिप्स लग गए बिल्कुल टाइटली, एक दो तीन और ये देखिए चार, और एक ये हल्की सी ढीली लग रही है मुझे, हल्की सी है बहुत मामूली सी है, इसको भी टाइट कर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन बाकी चार बहुत टाइटली लग चुकी हैं बाकी तीनों। ये देखिए और ये देखिए हेडलाइट रेडी है। अब आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिंपली मीटियोर 350 में बिल्कुल परफेक्ट फिट है। जो कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको डोम चेंज करना पड़ेगा, अंदर का केसिंग वगैरह, कुछ नहीं करना गाइस, एज इट इज़ ले जाओ बिंदास लगा दो। और ये देखो ये रहा कपलर, ये घुस जाता है आपके हेडलाइट के केस में, जो हेडलाइट का कपलर है उसमें, ये चला जाता है आपके साइड रिंग का जो कपलर है उसमें, और ये डायरेक्टली आप इसमें ऐसे प्लग इन कर दो, दैट्स इट। और ये देखिए आपकी हेडलाइट बिल्कुल परफेक्टली रेडी टू गो हो गई है फॉर मीटियोर 350। तो अब अगेन फिर से बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ये हेडलाइट या फिर ये रिंग चाहिए तो इसके लिए प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर को कनेक्ट कीजिए। रीज़न बीइंग
कि ये हेडलाइट है, ये रिंग जो है, ये आपकी गाड़ी के ऊपर बिल होगा, मैं इसे बिल नहीं करवा सकता इतने लोगों को यहाँ से। तो आप अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर से ये हेडलाइट और ये रिंग, पार्ट नंबर मैंने आपको दे दिया है, खरीद लीजिए। ये कपलर 1399 का है, आपको हमारे पास मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करके हमारी टीम से ये कपलर ले सकते हैं। कपलर लेने के बाद सिंपली प्लग एंड प्ले, ना कोई वारंटी वॉइड होगी ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी वायर कट नहीं होगा। ये आपके DRL के जो रिंग है उसके, उसका कपलर है, ये आपका हेडलाइट का कपलर है, और इससे कनेक्ट करके बन गया ये तीसरा कपलर, जो एज इट इज सीधे आपकी हेडलाइट में एज इट इज लग जाएगा। तो ये अब हेडलाइट कंप्लीटली रेडी है फॉर मीटियोर 350। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो विथ दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर ब्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।